हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड भाई वेलकम टू द बीएसपी फार्मेसी और जैसे कि आप लोग को हमने बता ही दिया है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है उसके अंदर न्यू बैच चलने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का 15 दिसंबर से तो जिस भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है तो पंद्रह दिसंबर से पहले ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्लासेस छूट जाएंगी डेली क्लासेस लाइव क्लासेस होने वाली है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की नया बैच शुरू होने वाला है पंद्रह दिसंबर से जाओ कोर्स को ज्वाइन करो बी एस पी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जहाँ पे आपकी सारी की सारी क्लासेस चलने वाली है और आप लोग को मालूम ही है होम डिलीवरी नोट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं भाई ये नोटबुक अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर कोर्स परचेज करते हैं ये वाली नोटबुक आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी आपके घर पे होती है कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता इसके साथ कुछ गिफ्ट भी जाता है और गिफ्ट बाउचर भी जाता है तो ये हो गई आपके मास्टर कोर्स की बात अगर आप न्यू बैच परचेज करते हैं मतलब क्रैश कोर्स परचेज करते हैं पंद्रह सौ रुपए का क्रैश कोर्स है उसमें आपको ये चारों बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अलग अलग हैंड रिटर्न नोट्स ये है ये आपके घर पे जाते हैं तो आप ध्यान से ये देख सकते हैं अगर आपको ये वाले नोट्स मंगवाने हैं अभी जा करके बी एस पी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो और कोर्स जाकर के परचेज कर लो क्योंकि नया बैच भाई 15 दिसंबर से चालू हो जाएगा और फिर आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं है ना जी आ जाइए सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए भी अवेलेबल है थर्ड में अगर कोई स्टूडेंट से ये आप नोटबुक देख रहे हैं एक ही नोटबुक के अंदर सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर के भी आपको अलग अलग हैंड रिटर्न नोट्स मिल जाते हैं जी तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर के हो गए उल्टा तो नहीं है उल्टा है जी तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर के नोट्स से। है अलग 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 सब्जेक्ट्स के और अगर आपको ऑल इन वन नोटबुक चाहिए तो ऑल इन वन आप परचेज कर सकते हैं किसी को कोई दिक्कत तो जाओ भाई जल्दी से क्लास शुरू हो जाएगी तब कोर्स परचेज करोगे क्या जाओ फटाफट चलो आज तो हमने नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो कहां हो सब लोग आओ फटाख से आ जाइए, जल्दी आ जाइए ओके वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना वॉइस वगैरह सब बेटा यूनिट फर्स्ट अगर आपको देखनी है जाओ प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मेंशन हो जाएगी है ना तो वहां आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट आ जाओ जल्दी फटाफट आ जाओ भाई जितने बच्चे अभी यहाँ लाइव में ज्वाइन हो गए प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज एक लाइक तो बनता है है एक लाइक ही तो मांग रहे अंगूठा दबाओ उस लाइक पे जा करके और क्या बोल रहे हैं आपसे पर एक बात और है आप हमारी बात को सीरियस नहीं लेते हैं ना सुनते नहीं हो कोई भी एक लाइक बोल लगाने के लिए बोला है आपसे आपने वो लाइक भी नहीं अभी तक दिया है चलिए आ जाओ सब लोग फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे है ना तो भाई सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास के अंदर फिर हम शुरू करते हैं जी स्केलेटन सिस्टम है ना क्या शुरू कर रहे हैं आज हम स्केलेटन सिस्टम सबको मालूम है स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं तो आज हमने कंकाल तंत्र ही पढ़ना है हड्डियों का ढांचा ठीक है आओ फटाफट यार बच्चों कम से कम वीडियो को शेयर कर दो हंड्रेड बच्चे लाइव में जो हो डेली उतना तो कर दीजिए कम से कम हंड्रेड तक भी नहीं हो पाता है चलिए <coughs> चार्ट आपको अच्छे से दिख रहा है ठीक है जी तो स्केलेटन सिस्टम में बस हमने ये चारों की बात करनी है ये आपको चार पॉइंट दिख रहे हैं आपके बोन्स आपकी लिगामेंट्स, कार्टिलेज वन टू थ्री एंड फोर ये चारों आपके स्केलेटन सिस्टम में आते हैं चारों सभी को पता है बोन्स आप लोग को सबको पता है बोन्स मतलब हड्डियाँ कार्टिलेज कितनी सारी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं भाई जो हमारी ये लचीली हड्डी होती है उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं जो हमारे शरीर की लचीली हड्डी है वो हो गई कार्टिलेज जॉइंट्स इसके अंदर हमने जॉइंट्स भी पढ़ने हैं तो जैसे आप ये मूवमेंट कर पा रहे हो ऐसे मूव कर पा रही है आपकी उंगली तो अगर हमारी सीधी की सीधी ये पेन है इसमें अगर कहीं बीच में जॉइंट होता तो ये पेन इज़िली मुड़ पाता लेकिन इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है और जॉइंट ना होने के कारण ये पेन अगर हम मोड़ना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा तो उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ मूवमेंट होती है वहाँ जॉइंट्स प्रेजेंट है जिसके कारण हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो ईजिली मूवमेंट कर पाती है, है ना तो भाई जॉइंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ने चलिए लिगामेंट लिगामेंट मैं बताया है कितनी बार लिगामेंट और टेंडन बोला था क्या होते हैं क्या होते हैं जी टोटल ट्वेंटी परसेंट ऑफ बॉडी मास बॉडी मास का ट्वेंटी परसेंट आपका लिगामेंट होता है और लिगामेंट क्या है कौन बोलेगा वट इज द मीनिंग ऑफ लिगामेंट मैम क्लास कब चालू हो गया बेटा अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो रोने की कोई बात नहीं है अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है लिगामेंट मतलब जो हड्डियों से हड्डी का जॉइंट होता है हड्डी से हड्डी का जॉइंट लिगामेंट कहलाता है और बोन्स एंड मसल्स का जॉइंट्स टेंडन कहलाता है है ना ये बात करी थी हमने बिल्कुल चलिए आज आप लोग से ही क्वेश्चन पूछूं। चलो ठीक है क्वेश्चन पूछेंगे जब हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी टेस्ट लिया जाएगा आप लोग का एक वन शॉट वीडियो रखेंगे एक टेस्ट वाली वीडियो रखेंगे अभी नहीं रखते अभी जितने बच्चों को नहीं पता है उनको ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी तो हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम को कंकाल तंत्र बोलते हैं और इसके अंदर हमने ये चारों चीजें पढ़नी है हड्डियाँ कार्टिलेज जॉइंट्स और लिगामेंट्स और टेंडन टेंडन आप यहाँ लिख सकते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं टेंडन भी इसके अंदर आ जाएगा। टेंडन का मतलब होता है जो आपका मसल है ये ऊपर तो स्किन हो गई इसके नीचे मसल्स होती हैं और उसके नीचे हड्डी होती है तो हड्डी और मसल्स के जॉइंट को हम टेंडन बोलते हैं अब लिगमेंट हड्डी आप हमारे पैर की हड्डी ले सकते हैं तो इस तरीके से हड्डी और हड्डी का जॉइंट लिगामेंट कहलाता है वो जॉइंट किस तरीके से हो रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी बस इतना पढ़ लो कि हमें स्केलेटन बीच में ही वॉइस क्लियर है एक सेकेंड बेटा एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे वॉइस क्लियर आ रही है मेरी वीडियो क्लियर आ रही है ये सब उड़ गया है ठीक है आ रहा है चलिए कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था बीच में ही वीडियो रुक गई थी चलिए ठीक है तो हम बात कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम की जब आप स्केलेटन सिस्टम को पढ़ोगे तो क्लासिफिकेशन करके पढ़ोगे तो इजी आपको सारी चीजें कंफर्म समझ में आ जाएगी है ना तो आपको वीडियो के थ्रू अपने बॉडी से ही रिलेट करते हुए हड्डियों के नाम याद करने हैं क्योंकि भाई हमने इसमें पूरी हड्डियां ही पढ़नी है तो हर एक हड्डी का नाम आपको मालूम होना चाहिए तो स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वन इज एक्सियल बोन सेकेंड इज अपेंडिकुलर बोन एक्सियल बोन के अंदर टोटल अस्सी हड्डियां आती हैं और आपके अपेंडिकुलर बोन में टोटल 126 ट्वेंटी सिक्स हड्डियां आती हैं तो टोटल आपको पता ही है टोटल आपके शरीर में 206 सौ हड्डियां होती है जब आप ठीक है जी चलिए सो फर्स्टली जब हम एक्सियल बोन के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमारी खोपड़ी और हमारी रीढ़ की हड्डी चार पोर्शन आते हैं जब हम स्केलेटन सिस्टम की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम बेसिकली टू टाइप का होता है वन इज एक्सियल बोन सेकेंड इज अपेंडिकुलर बोन एक्सियल बोन के भी चार पोर्शन होते हैं अपेंडिकुलर बोन के भी चार पोर्शन होते हैं तो एक्सियल बोन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सियल बोन में एक पार्ट आ जाता है आपका स्कल का ठीक है दूसरा पार्ट आ जाता है आपका ऑडिटोरी ऑसिकल्स का तीसरा है आपका थोरेसिक्स चौथा है आपका वर्टेब्रे कॉलम तो यहां आपको समझने के लायक क्या बात है ऐसे कम करोगे तो कैसे चलेगा ठीक है तो जस्ट अ सेकेंड यहां पे आपको स्ट्रक्चर भी दिख रही है वर्टेब्रे कॉलम मतलब आपकी रीड की हड्डियां थोरेसिक्स मतलब आपकी जो पसलियां हैं वो ऑडिटोरियोसिक मतलब कान की हड्डियां स्कल मतलब आपकी खोपड़ी की हड्डी तो ये सारे चारों के चारों पार्ट्स आपके एक्सियल बोन के अंदर आते हैं और एक्सियल बोन में टोटल अस्सी बोन होती है तो इन्हीं चारों को मिला करके आपकी अस्सी बोन एक्सियल बोन के अंदर आ जाती है ठीक है आगे आओ अपेंडिकुलर पे अपेंडिकुलर में पहला है जी पेक्टोरल ग्रिडल पेक्टोरल ग्रिडल मतलब आपके कंधे में जो आपकी वो ट्राइंगल शेप की लंबी बोन होती है स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे वहां यहाँ पीछे कंधे में होती है दो बोन ट्राइंगल शेप की और दो बोन लंबी शेप की यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर में अगर बनाऊँ वहाँ आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा ना तो ये आपके कंधे की दो बोन हो गई है ना और कंधे से नीचे ट्राइंगल शेप की बैक पे कमर पे कुछ इस तरीके की बोन होती है ट्राइंगल शेप की तो पेक्टोरल ग्रिडल में चार हड्डियां होती हैं लोअर लिम मतलब आपके पैर की हड्डी ठीक है लोअर लिम पैर की हड्डी अपर लिम हाथ की हड्डियां और आपका पेल्विक बोन मतलब आपके हिप्स की बोन्स पेल्विक बोन हिप की बोन तो अपेंडिकुलर बोन के अंदर ये चारों पोर्शन आ जाएंगे तो बेटा ध्यान से आपको ये चारों आपके स्केलेटन सिस्टम में आपको याद हो गए मतलब आपका स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट फिर स्केलेटन सिस्टम में कुछ भी आता है तो आप आंसर फटाफट दे पाओगे चलो हम अब आपसे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करते हैं स्केलेटन सिस्टम इसको थोड़ा सा हटा दे है ना तब आपको अरे यार क्या हो रहा है चलिए यहीं पे यहीं से स्टार्ट करते हैं ओके जी हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे स्केलेटन सिस्टम की स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है वन पार्ट इज एक्सियल बोन सेकंड पार्ट इज अपेंडिकुलर बोन एक्सियल बोन में चार पोर्शन होते हैं अपेंडिकुलर बोन में भी चार पोर्शन होते हैं एक्सियल बोन में चार पोर्शन कौन कौन से हैं वन इज स्केलेटन वो सॉरी वन थर्ड इज थोरेक्स, फोर्थ इज वर्टेलम तो ये चारों के चारों पोर्शन किसके अंदर आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके एक्सियल बोन में। और एक्सियल बोन में टोटल कितनी हड्डी होती है टोटल अस्सी हड्डिया होती हैं सेकेंड पार्ट आपका अपेंडिकुलर बोन्स अपेंडिकुलर बोन्स में टोटल 126 सौ हड्डियां होती हैं कौन कौन सा पोर्शन आता है फर्स्ट वन इज कौन सा पोर्शन आता है जल्दी बताओ पेक्टोरल ग्रिडल पहला पार्ट दूसरा पोर्शन आपका अपर लिंब तीसरा पार्ट आपका लोअर लिंब चौथा पार्ट आपका पेल्विक ग्रिडल तो ये चारों के चारों आपके अपेंडिकुलर पार्ट में आ जाते हैं अपेंडिकुलर बोन में आते हैं और उसमें कितनी हड्डियां टोटल मिला करके 126 हड्डियां इतना क्लियर इससे आगे वन बाय वन हम देखेंगे कि भाई स्कल कल में कितनी हड्डियां और और बाकी बाकी कितनी हड्डियां है।, है ना हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडीज़ एज अच्छा जी संजीव आप बताइए बिल्कुल जिस बच्चे को थोड़ा सा भी नहीं आता होगा वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, स्टार्टिंग चल रही है ये तो कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि भाई उसे कुछ आता ही नहीं है ठीक है तो हमने बात कर ली कि भाई चार चार पोर्शन है ये इसके चार पोर्शन और इसके चार पोर्शन दिस 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 ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है अब आ जाते हैं स्कल पे स्कल मतलब आपकी खोपड़ी खोपड़ी में आपके टोटल उनतीस हड्डियां होती है वैसे खोपड़ी के अंदर टोटल ट्वेंटी टू हड्डी होती है यहां उन्तीस आप काट भी सकते हैं जो ये आपका है इसको हमने टोटल मिला के लिख दिया था तो हम इसको चेंज कर लेते हैं जो आपका स्कल पार्ट है उसमें टोटल ट्वेंटी टू हड्डियाँ होती है तो यहाँ आप ट्वेंटी टू लिख लीजिएगा बेटा ठीक है अब ट्वेंटी टू हड्डियाँ कैसे है भाई क्या क्या है ट्वेंटी टू हड्डी में सब कट गया ठीक है आ जाओ फर्स्ट आपका क्रेनियम बोन्स या फिर हम इसको बोलते हैं क्रेनियल बोन क्रेनियल बोन मतलब आपकी खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से की कितनी हड्डियां हैं तो टोटल आठ हड्डियां हैं कौन कौन सी क्रेनियम बोन क्रेनियम बोन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्रेनियल क्रेनियल बोन्स ठीक है cranial, cranial चलो यहाँ पे आगे आओ क्रेनियल बोन्स में कौन कौन सी बोन्स है तो आपको यहाँ जी सारी की सारी आठ की आठ बोन्स नजर आएंगी अरे देखिए फ्रंटल बोन मतलब आपके सामने वाली इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं इधर इतने पोर्शन के अभी आपको जस्ट एक वीडियो भी दिखाने वाले हैं तो फ्रंटल बोन ये जहाँ ये ग्रीन पोर्शन है ये पार्ट फ्रंटल बोन ये किसके पार्ट है क्रेनियल बोन्स के क्रेनियल बोन्स में टोटल आठ हड्डियां होती है आठ हड्डियां यहाँ पे बताई जा रही है कौन सी किसकी लोकेशन है तो भाई इस सामने वाले पार्ट को इस सामने वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं दिस वन इज फ्रंटल पार्ट ओके फ्रंटल बोन कितना है यहाँ पे आपको बताई भी गई है टोटल एक ही हड्डी है पैराइटल बोन पैराइटल मतलब दो पार्ट होते हैं ये देखो दो बोन्स होती है यहाँ ऐसे ये वाला एक पोर्शन ये एक पोर्शन ये तो यहाँ ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन पेराइटल बोन्स बोलते हैं इनको तो ये भी टोटल टू होती हैं अब आ जाओ ऑसिपिटल ऑसिपिटल मींस ये वाला पोर्शन तो ये आपका ऑसिपिटल एक बोन होती है ठीक है फिर आ जाते हैं आपके टेम्पोरल बोन टेम्पोरल मतलब दो होती है यहाँ एक यहाँ एक इस वाले कान के पास एक इस वाले कान के पास एक हड्डी तो दो टोटल दो हड्डी आपकी टेम्पोरल बोन की फिर आ जाते हैं एथेमोइड एथेमोड की लोकेशन देख रहे हो आप आँख के जस्ट पीछे की तरफ आ, ये वैसे तो दिखती नहीं है आँख के पीछे की तरफ है ये ये वाली लोकेशन पे एथेमोइड बोन बोलते हैं इसको नेक्स्ट है आपकी स्पेनोइड बोन स्पेनोइड बोन ये लीजिए आपकी स्पेनोइड बोन ये भी अंदर ही होती है थोड़ी इसकी भी लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो ये देखिए दिस इज स्पेनोइड बोन ठीक है तो टोटल आठ हड्डियाँ हो गई ना एक दो दो, दो, दो चार पाँच छ सात आठ टोटल क्रेनियल बोन्स एट होती है ये आपकी खोपड़ी के ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है ऊपर वाले पार्ट की तो हम और भी इसको इजी बनाने के बनाने के लिए ऐसे आप पढ़ सकते हो कि आपके स्कल में टोटल कितनी हड्डियां हैं बोलो बेटा पीछे चलो भाई जस्ट सेकेंड हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा ये हटेगा नहीं क्या हट गया जी चलो तो हम अगर इसको डिवाइड करें इसको अगर हम डिवाइड करते हैं स्केलेटन जो आपका स्कल है जो आपकी खोपड़ी है उसमें टोटल बाईस हड्डियां इसको कट कर दीजिएगा भाई टोटल बाईस हड्डियां तो इस के दो पार्ट होते हैं वन इज सी आर N एन आई एल क्रेनियल बोन एंड सेकेंड वन इज फेशियल बोन फेशियल बोन ठीक है क्रेनियल बोन में टोटल आठ हड्डियां होती है फेशियल बोन में टोटल चौदह हड्डियां होती है ठीक है इतनी बात क्लियर तो अभी हमने जो हड्डियों के हड्डियों की बात कर रहे थे क्रेनियल बोन्स में टोटल हा आठ हड्डियां, फ्रंटल दो पैराइटल दो टेम्पोरल एक ऑसिपिटल, एक एथेमोइड एक स्पेनो स्पेनोइड बोन तो ये आठों हड्डियां आपके क्रेनियल बोन्स में आती है किसका पार्ट है जी स्कल का पार्ट दूसरा पार्ट कौन सा है फेशियल बोन ये सामने वाला जो आपकी फेस की हड्डियां हैं वो फेशियल बोन में आएगी और हमारे फेस में ही टोटल फोर्टीन बोन्स होती है अब हम वो देखेंगे भाई क्रेनियल फेशियल बोन में कितनी हड्डियां हैं क्लासिफिकेशन में तो इजी समझ में आ रहा होगा ठीक है आओ दिस वन इज फेशियल बोन आइए जी तो यहां हम फेशियल बोन में टोटल फोर्टीन हड्डियां होती हैं तो कौन कौन सी है टू यहाँ पे मेंशन है कि कितनी हड्डी है टू नेजल बोन्स टू लेक्राइमल बोन्स टू इंफीरियर नेजल कौचा टू मैगजीला वन मैंडिबल वन वोमर टू जाइगोमेटिक टू पैलेटाइंस अब लोकेशन देखो सबसे पहले जाइगोमेटिक की जो ये आपके गाल मोटे मोटे हैं इधर से भी और इधर से भी तो ये कौन सा पार्ट है दिस वन इज जयगोमैटिक बोन्स तो एक जाइगोमेटिक बोन यहां इस वाले गाल पे, एक वाइगोमेटिक इस वाले गाल पे, तो दोनों बोन्स ये है आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिक बोन्स कितनी टू बोन्स अब आ जाते वोमर पे वोमर एक है नाक के बीच वाला जो आपको लंबा सा इधर दिख रहा है ये वोमर कहलाता है तो वोमर एक अकेली हड्डी है, है फिर आ जाता है पैलेटाइन पे पैलेटाइन नाक में ही छोटी छोटी बोन्स होती है नाक में टोटल आपकी सात आठ हड्डियां तो नाक में ही है अभी आप देखिएगा कितनी है टू पैलेटाइन बोन्स ये आपकी लाल जो रेड रेड कलर से मार्क किया हुआ है छोटी छोटी हड्डियां नाक के अंदर ठीक है एक वोमर हो गई दो पैलेटाइन हो गई अब नेजल ये जो ऊपर वाला यहाँ है नेजल बोन्स दो होती है एक ये वाली एक ये वाली ये आपको कौन सा कलर है ये क्रीम कलर है शायद ठीक है लक्राइमल बोन आंख के आंख के दोनों साइड लक्राइमल बोन्स होती है ये दोनों आंख के साइड में इन्फीरियर नेजल कोंचा ये आपको ग्रीन ग्रीन इधर इस वाली नाक के इन दोनों पोर्शन पे होता है इन्फीरियर कोंचा ग्रीन ग्रीन पोर्शन आप देख पा रहे हो मैगजिला मैगजिला भाई ये वाला पोर्शन जो हमारे जबड़े का ऊपर वाला पोर्शन इधर ये दो एक बोन इस वाले पार्ट में एक बोन इस वाले पार्ट में तो ये पूरा आपको येल्लो येल्लो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड मैगजिला बोन दिस इज मैंडिबल मैंडिबल बोन आपके जबड़े का ये वाला हिस्सा ये वाला ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है दिस इज कॉल्ड मैंडिबल बोन और ये ही हमारी एकमात्र स्केलेटन में बोन है जो क्या करती है मूवमेंट करती है बाकी इनमें से कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर पाती हैं। मैंडिबल बोन और हमारी ये वाली बोन ही सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन होती है मैंडिबल बोन ठीक है तो यहां हमने फेशियल बोन की भी सारी की सारी देख ली है कौन कौन सी है जल्दी बोलो कौन कौन सी है देख के ही बोल दो भाई फटाफट अब एक बोन है आपकी हाईड बोन इसलिए हम यहाँ पे ट्वेंटी नाइन हमने लिख रखा था लेकिन ट्वेंटी नाइन इसलिए हमने उसको काट दिया है ट्वेंटी टू तो आपके स्केलेटन में हो गई एक हड्डी होती है आपके यहाँ गले में हाईड बोन बोलते हैं इसको ये देखो ये रहा आपका हाईड बोन ठीक है ये भी हमने स्केलेटन में ही ऐड कर दिया था लेकिन ये हड्डी आपके यहाँ गले के इस साइड में होती है हाईड बोन ठीक है लैरिंग से जस्ट ऊपर ये आपकी कुछ स्ट्रक्चर भी है इसकी ठीक है अब आपको यहां एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखने को मिलेगी जिसमें आपको एक एक पार्ट अलग अलग दिखेंगे लुक ठीक है जी तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो में इस वीडियो में आपको ये नजर आ रहा है कि भाई हमारी हड्डी कौन कौन सी किस लोकेशन पे इजी समझ में आएगा लुक दिस इज दिस इज मैग्जिला बोन मैग्जिला बोन समझ में आ रहा है देखो अलग अलग पोर्शन दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा अब यहाँ पे आपको ये दो है नेजल बोन्स आपकी नाक की हड्डियां है लुक वीडियो में आपको एनिमेशन वीडियो में ज्यादा बेटर समझ में आता है और ये जो आपकी दोनों है फेशियल बोन की यहाँ पे बात हो रही है फेशियल बोन में चौदह हड्डियां होती हैं अब यहाँ पे लक्राइमल बोन आपकी नाक कान की दोनों साइड में होती है लक्राइमल बोन ठीक है तो जी लक्राइमल बोन आपने यहाँ पे देख ली अब आ जाते हैं हम हाँ अपने पैलेटाइन बोन पे तो दिस वन इज पैलेटाइन बोन्स दिस इज कॉल्ड मेंडिबल बोन जो कि मूवमेंट कर पाती है ये आपकी जबड़े की हड्डी जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं मैंबल है ना अब आओ अपने टेम्पोरल बोन ये किसका पार्ट है पार्ट है टेम्पोरल Tem कितनी हड्डियां होती है टू हड्डी एक इस साइड और एक इस साइड पेराइटल बोन ये ऊपर वाले साइड में दिस पोर्शन इज पैराइटल बोन ये कौन सा है जल्दी बताओ ऑसिपिटल बोन क्लियर दिस इज occipital बोन ठीक है जी आगे आ जाओ अब आओ ये आपका सामने वाला पार्ट फ्रंटल पार्ट है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है चलिए आ जाओ अब आगे वो मर, एक नाक की हड्डी ये वाली हो गई इन्फीरियर नेजल कौचा ये दो छोटे छोटे छोटी छोटी अड्डी दोनों इन्फीरियर नेजल बोन नाक के इस पोर्शन पे एथेमॉइड बोन है स्पेनॉइड बोन ये दोनों पोर्शन किसके बताए हैं क्रेनियल बोन के पार्ट है? है ये दोनों के दोनों ठीक है चलिए जी वीडियो में ज्यादा बेटर समझ में आ गया होगा आप लोग को लैक हो रहा है क्या फिर से लैक तो नहीं होना चाहिए लैक हो रहा है क्या वीडियो मेरा आप एक बार नेटवर्क चेक करिए मैम कल आप हेयर के बारे में बता रहे थे ना हाँ बेटा बिल्कुल बता रहे थे फिर से वीडियो लैक हो रहा है क्या ये बताओ क्रेनियल बोन्स क्या है आपकी खोपड़ी की हड्डियां हैं क्रेनियल बोन्स क्रेनियल मतलब ये वाला पार्शन स्कल के दो पोर्शन होते हैं वन इज क्रेनियल बोन ये वाला आपका जी खोपड़ी का ये वाला हिस्सा दूसरा है फेशियल बोन जो आपके सामने वाला हिस्सा है तो कोई भी पूछे क्रेनियल सी होती है तो क्रेनियल बोन्स टोटल आठ होती है ये वाला ये ऊपर का पूरा पोर्शन ये सामने वाला फ्रंटल बोन ये ऊपर वाला दो पैराइटल बोन ये पीछे ओसिपिटल बोन दो कान की साइड में टेम्पोरल बोन आंख के पीछे इस एथेमोइड बोन और इसी के जस्ट पी, मतलब पीछे ऐसे लंबा लंबा होता है उसको हम बोलते हैं स्पेनोइड बोन तो टोटल आठ हड्डियाँ होती है दो टेम्पोरल की दो पेराइटल की एक ओसिपिटल की एक फ्रंटल की एक स्पेनोइड की एक एथेमोइड की है ना टोटल आठ हड्डियाँ आपकी फेशियल की कौन कौन सी है दिस इज कॉल्ड वूमर और ये छोटी छोटी इंफीरियर कौनचा दो पैलेटाइन बोन्स दो नेजल बोन्स ये दो जयगोमेटिक बोन वन इज मैंडिबल बोन दो आपके बोन्स बोन्स टोटल 14 बोन है आपकी फेशियल की आपकी उंगलियों पे होना चाहिए ये कोई पूछे तो आपसे है ना और एक हड्डी होती है टोटल तो चौदह बोन आपकी फेशियल की और आठ बोन आपकी ए, क्रेनियल की कितनी हो गई टोटल ट्वेंटी टू बोन्स हो गई एक है आपकी हाईड बोन आपके गले में यहाँ पे प्रेजेंट होती है कितनी हो गई 23 थ्री बोन्स हो गई अगला पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑडिटोरी ऑसिकल्स आपके कान की हड्डियाँ तो कान में एक कान में आपकी तीन हड्डियाँ होती है तो दोनों कान में कितनी हो गई टोटल छः हड्डियाँ तो तेईस हड्डियाँ तो आपके आ, क्या बोलते हैं स्कल पार्ट में चली गई ऑडिटोरिक ऑसिकल्स में से हमने छः हड्डियाँ ले ली कितनी हो गई टोटल ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन वहाँ पे ऑसिकल्स का मिला करके इसलिए लिखा था एक हाईडबोन बोन टू आपकी स्कल्स की है ना भाई कन्फ्यूज नहीं होना किसी को भी बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल स्लो और ज्यादा स्लो चलेंगे फिर हम तो यहाँ पर ऑसिकल्स मीन्स कान की हड्डी पे आ जाते हैं तो आपसे कोई पूछता है आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो आप बता ही देते हो सबसे बड़ी हड्डी फीवर मतलब जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है तो यहां आपको दिख जाएगी कौन सी सबसे छोटी हड्डी है तो ये वाली हड्डी सबसे छोटी है दिस इज is... ये वाली हड्डी जी ये कौन है स्टेपस तो स्टेपस एक हड्डी का नाम है जो कान में प्रेजेंट होती है और यह हमारे सब शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो ये हमसे क्यूज के क्वेश्चन है आप हाँ जी एक आपको फ्लो चार्ट बाद में मिलेगा ट्रिक से अगर आपको याद करना है ट्रिक से कर लेंगे लेकिन पहले हम थोड़ा सा यहाँ आपको डायग्रामेटिक वे में बता दें फिर एक चार्ट आपको बताएंगे उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा है ना तो यहाँ पे आपके एक कान में तीन हड्डी होती है मैलियस इनकस स्टेपस तो मैलस वाली हड्डी ये ईयर ड्रम जो आपके कान है कान के जस्ट अंदर ईयर ड्रम होता है ये आपका कान है इस कान में ये वाला पोर्शन होता है ईयर ड्रम इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं ईयर ड्रम के जस्ट बाजू में जो लगी हुई हड्डी होती है वो है मैलस फिर बीच में आपकी होती है इनकस ये वाली हड्डी और सबसे पीछे होती है आपकी स्टेपस जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ठीक है लोकेशन पता चल गई चलो आगे आ जाओ थोरैक्स मतलब रिप्स बोन आपकी रीड की हड्डी की बोन टोटल 25 हड्डियां होती हैं आपकी थोरैक्स में बोलते हैं ना 24 पसलियां होती है रीड की हड्डी आपने बचपन में भी पढ़ी है कि कितनी होती है हम बोलते हैं 24 है ना तो 12 पसलियां इधर बारह पसलियां इधर और बीच में ये पसलियां जिससे जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं स्टरनम स्टर्नम बोल बोन्स तो यहां कुछ बोन्स के नाम भी दिए गए हैं लुक यहां पे नंबर वाइज देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो कुछ इस तरीके की लोकेशन से ये अटैच रहती है तो यहां हम आगे आगे देखेंगे आगे वाले डायग्राम में देखते हैं। लुक। टाइप ऑफ दो टाइप के होते हैं ट्रू रिप्स फॉल्स रिब्स। ट्रू रिप्स मतलब अपर के सेवन पेयर सेवन पेयर मतलब ये वाले इनको हम ट्रू रिप्स बोलते हैं जस्ट अ सेकेंड ये क्या है जी आपके इतने एक से लेके कर तक ट्रू रिब्स आठ से ले के इलेवन टलेवे तक फोल्स रिब्स ये नेक्स्ट थ्री बोन्स फोल्स रिब्स लास्ट टू पेयर फोर रिब फोर बोन्स फ्लोटिंग रिब्स इनको बोला जाता है यहाँ पे ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती ये बोन्स आपकी इलेवन और टेल्व ये इसके पीछे से यहां से अटैच्ड है मैम ऑडिटोरियम को से हड्डी होती है क्या स्टूडेंट क्या नाम है आपका क्या पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप चलिए अगला पार्ट है आपका वर्टेब्रे कॉलम वर्टेब्रे कॉलम में टोटल ट्वेंटी सिक्स हड्डियां होती हैं तो हम टोटल चारों पार्ट देख चुके हैं चारों पार्ट चौथा पार्ट अभी हमने देखना बाकी है तो इसमें टोटल ट्वेंटी सिक्स हड्डियां होती हैं आपकी रीड की वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको हम किसकी बात कर रहे हैं रीड की हड्डी की बात से वर्टेब्रे कॉलम की बात थोरैसिक की बात नहीं कर रहे तो वर्टेब्रे कॉलम में पोर्शन होते हैं जी पांच पहला कर, आ, सर्वाइकल दूसरा थोरेसिक तीसरा लंबर चौथा सेक्रम एंड लास्ट वन इज कॉक्सी ये क्या है आपका कॉक्सी तो यहाँ पे आपकी रीड की अड्डी के टोटल पांच पार्ट होते हैं जो आपका सर्वाइकल बोन्स है वो सात होती है थोरेसिक बोन होती है फाइव बोन्स होती है पांच फ्यूज्ड बोन मतलब पांच आपस में जुड़ी हुई बोन होती है और यहाँ पे कोक्सी चार फ्यूज्ड बोन चार छोटी छोटी बोन से मिलकर के बनी हुई होती है यहां आपको ये वाली स्ट्रक्चर नहीं दिख रही होगी नीचे कैसे जाता है नहीं रुक जाइए एक सेकंड चलिए ये गया कोक्सी देखो यहाँ पे ये हो गया आपका सैक्रम ये हो गया आपका लंबर ये हो गया आपका थोरेसिक्स और ये हो गया आपका सर्वाइकल तो यहाँ आपको इसको थोड़ा बैक करें ठीक है बैक करते हैं तो अब हम एक्सियल बोन एक्सियल बोन के बारे में बात कर रहे थे एक्सियल बोन में टोटल 80 हड्डियां हैं और 80 हड्डियां चारों पार्ट से मिलकर के बनी हुई है पहला पार्ट क्या है जी स्कल है जी पहला पार्ट स्कल में टोटल 22 हड्डियां होती हैं है ना स्कल में टोटल 22 हड्डी आपकी ईयर की बोन्स ईयर बोन्स लिख लो चलो ईयर बोन्स सिक्स आपके थोरैसिक थोरेक्स बोन ट्वेंटी फाइव चलिए आपका वर्टेब्रे कॉलम्स कितनी? 26 है ना और एक है इसमें हाईड बोन तो आप इस कल में ही बोन जोड़ लो एक तो इनको अगर आप गिनते हैं तो कितनी बैठती है बोलो जल्दी ये हो गई फिफ्टी और ये हो गई आपकी टोटल एट्टी बोन्स किसी को कोई दिक्कत बोलो जल्दी फटाफट यहां पे हमने ये चारों पार्ट की हड्डियां देखी ये आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं ये आपकी पसलियों की हड्डियां हैं ये आपके कान की हड्डी है ये आपके खोपड़ी की हड्डी है बोलो जल्दी कोई दिक्कत चलो वन बाय वन करके हम थोड़ा सा नाम देख लेते हैं स्कल में हमने बात करी जी स्कल में टोटल बाईस हड्डियाँ होती हैं स्कल के दो पार्ट होते हैं इसको थोड़ा छोटा करके स्कल के दो पार्ट होते हैं वन इज क्रेनियल बोन क्रेनियल क्रेनियल बोन कितनी होती है टोटल टोटल जी आठ बोन होती है और फेशियल बोन कितनी होती है फेशियल बोन इज फोर्टीन बोन्स तो टोटल फेशियल फोर्टीन बोन्स नाम लिखो चलो नाम हम यहाँ लिखते नहीं है और अली बोल देते हैं क्रेनियल मतलब आपकी खोपड़ी की हड्डी पहले ये होता है फ्रंटल ऊपर की दो पैराइटल पीछे की एक ओसीपिटल ये दोनों कान की टेम्पोरल और आंख के पीछे वाली स्पेनोइड और उससे पीछे एक और हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं एथेमोइड ये टोटल क्रेनियल बोन्स की आठ हड्डियां हैं फेशियल में चौदह बोन होती है ये जो आपने थोबड़ा है सामने इसमें चौदह हड्डियां होती हैं तो ये जो उठे हुए हैं दोनों पोर्शन मोटे मोटे गाल के तो इस ये वाली हड्डी होती है आपकी फेशियल की जाइगोमैटिक बोन्स एक या एक यहाँ टोटल टू बोन्स नाक में आपके टोटल सात हड्डियाँ होती है दो जी पैलेटाइन बोन्स दो इंफीरियर वो एक वोमर और कौन सी है आ, नेजल बोन दो नेजल बोन दो नेजल बोन दो पैलेटाइन दो इन्फीरियर कौन से छ हो गए और एक वोमर तो आपके अकेली नाक में ही सात हड्डियां ठीक है थीके? तो सात हड्डी आपकी नाक की हो गई दो हड्डी ये जाइगोमेटिक बोन तो कितनी हो गई टोटल नो हड्डियाँ हो गई दो आपकी लेक्राइमल बोन एक यहाँ एक यहाँ कितनी हो गई इलेवन हो गई एक आपका मैंडिबल ये वाला आड़ा, आड़ा। ये आपका मैंडिबल बोन तो ये कितनी हो गई आप फिर से गिनती गए सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और दो आपकी ये वाला पोर्शन ये जबड़े का ऊपर वाला पोर्शन मैगजिला तो टोटल फोर्टीन हड्डियां हो गई आपके फेशियल बोन की है ना कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत तो बताइए जल्दी फटाफट चलो तो यही पूछ लो मैं क्वेश्चन आपसे ये ये वाला भी कान में और यहाँ पे हमने यहीं पे जोड़ लो आप यहाँ तो बाईस हड्डिया हो गई एक और इसमें मिला लो एक हड्डी तो आप टोटल ट्वेंटी थ्री हड्डी कर लो यहाँ पे ट्वेंटी थ्री एक होती है आपकी हाईड बोन ये आपके फेरिंग लरिंग से ऊपर रहती है यहाँ ऊपर जुड़ी हुई रहती है ऐसे इस तरीके की इस इस शेप की रहती है कुछ और ये यह यहाँ फंसी हुई रहती है ऐसी हाईोइड बोन हाईड बोन बोलते हैं इसको कौन सी बोन हाईड बोन ठीक है तो हम यहाँ स्कल में ट्वेंटी थ्री हड्डियां कर ले रहे हैं ठीक है ईयर बोन्स आपकी अः छह हड्डियां होती है तीन इस कान में तीन इस कान में मैलस इनकस स्टेपस स्टेपस हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है ठीक है जी तो यहां हमने छह हड्डी लिख ली कितनी हो गई ट्वेंटी थ्री और सिक्स ट्वेंटी नाइन चलो अब आ जाओ थोरैक्स पे थोरेक्स का भी अगर हम पोर्शन करें तो जो आपकी पसलियां हैं मतलब जो आपकी पसलियां हैं वो भी दो टाइप की होती है फोल्स एंड ट्रू।, ट्रू ट्रू रिप्स और ट्रू रिप्स एंड फॉल्स रिब्स तो यहाँ हम पोर्शन कर लेंगे तो एक से आ, एक से सात तक आपकी ट्रू रिप्स होती है और बाकी आठ से आप दस तक फॉल्स रिप्स कर सकते हैं और ग्यारह और बारह आपकी फ्लोटिंग रिप्स हो गई फ्लोटिंग रिप्स चलिए इसको आप छोड़ सकते हैं अभी आप बस इतना देख लो एक हमारा स्टर्नम है जो बीच में होता है और ये हमारी रीड की हड्डी हो गई ये लीजिए कुछ इस तरीके की तो अभी तो हम थोड़ा रफ डायग्राम बना रहे हैं डोंट माइंड तो ये आपकी बारह हड्डियाँ ये वाली और बारह हड्डियाँ ये वाली और एक हड्डी स्टर्नम ये वाली तो टोटल आपकी हो गई जी ट्वेंटी फाइव हड्डियाँ इसकी क्लियर बात है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्वेंटी नाइन हड्डियाँ हमारी ये वाली है ट्वेंटी फाइव हमारी ये वाली हो गई तो टोटल कितनी हो गई टोटल कितनी हो गई ट्वेंटी फाइव फोर और फोर फोर फाइव फिफ्टी फोर हड्डियाँ हो गई हैं अब बचा है आपका बर्थडे कॉलम मतलब आपकी रीड की हड्डी तो रीड की हड्डी में पांच पोर्शन होते हैं जब हम रीड की हड्डी बनाते हैं रीड की हड्डी बनती कैसे है भाई तो तिरछी हो गई है कुछ इस तरीके से हम रिड की हड्डी बना ले रहे हैं और यहाँ थोड़ा मोटा और इधर से पूछ सी निकली रहती है तो ये वाला कोक्सी सेक्रम ले लंबर और थोरैक्स और क्रेनियल है ना क्रेनियल वो सर्वाइकल सॉरी क्रेनियल नहीं क्रेनियल आपकी ये वाली हड्डी है कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड में क्रेनियल और सर्वाइकल दोनों अलग अलग वर्ड है सर्वाइकल मतलब आपका यहाँ होता है रीड की हड्डी में सर्वाइकल बोन्स यहां होती है सर्वाइकल बोन्स आपकी की हड्डी में ये आपके रीड की पोर्शन पौर्श, नंबर भी और आपका सैक्रम भी और आप, आपका कॉक्सी भी तो यहाँ पे वर्डे कॉलम में छह पांच पार्ट होते हैं टोटल ट्वेंटी सिक्स है तो चौवन और ट्वेंटी सिक्स आपके टोटल अस्सी बोन आपके एक्सियल बोन के अंदर आती है है ना क्लियर एक्सियल बोन क्लियर है आप लोग के चलिए क्वेश्चन पूछ लू एक्सियल बोन से क्वेश्चन पूछ लू क्या बोलो फटाफट क्वेश्चन पूछे जाए हाँ जी बिल्कुल कामिनी एक्टिव है बिल्कुल भाई उन्होंने आंसर दे दिया है साथ में ही सात सर्वाइकल बोन है बारह थोरेसिक है पांच लंबर है पांच सक्रम है एक कोक्सी है राइट चलिए वेरी गुड कामिनी आपके आई थिंक नाइन्टी से नाइन्टी फाइव परसेंट आने ही चाहिए बेटा एग्जाम में उससे नीचे नहीं आने चाहिए फिगर में सबसे ज़्यादा होती है ठीक है फिंगर्स में अच्छा तो फिंगर की बात तो यहाँ भी आई नहीं है अभी हम सिर्फ एक्सियल बोन की बात कर रहे हैं एक्सियल पोर्शन की एक्सियल पोर्शन में आपकी खोपड़ी आपके कान आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी पसलियां मतलब रिब्स ये चार पोर्शन आते हैं तो ये चार पोर्शन आपको एक पार्ट में याद करने हैं दूसरा जो बॉडी का पार्ट बचा है अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर में चार पार्ट आते हैं आपके हाथों की हड्डी आपके पैरों की हड्डी आपकी हिप्स की हड्डी हिप्स की हड्डी और आपकी जो ये कंधे में चार हड्डियाँ होती हैं शोल्डर में पेक्टोरल ग्रीडियल हम जिसे बोलते हैं वो तो चार पार्ट आपके अपेंडिकुलर में चार पार्ट आपके एक्सियल में तो पहले मुझे ये बताओ एक्सियल बोन्स की क्वेश्चन कर लूं मैम एनी स्टूडेंट वाज आस्किंग काम तुम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आंसर क्यों नहीं देती यस मैम पूछो चलिए ठीक है पूछते हैं फटाफट आंसर करते हैं थोड़े से फास्ट एकदम से आन, आंसर आ जाना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन इज जल्दी आंसर करेंगे फटाफट देखते ही second answer second question is वन बाय वन करके आंसर दे दीजिएगा ठीक है क्वेश्चन लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं आप हम बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है सारे आपको बन जाएंगे तो एक एक करके भाई आंसर दीजिए और चलिए क्वेश्चन देख लो आप ठीक है मैं देख लूँ किस किसने आंसर दिए हैं तो फास्ट आंसर आपका कौन दे रहा है सबसे पहला क्वेश्चन आंसर दिया है सनी पवार ने स्ट्रांगेस्ट बोन ओके और फिर उसके बाद किसने आंसर दिया है सनी पवार के बाद दिया है ये कौन है अंशुमन मिश्रा ने देवेश मलिक ये आपने क्या लिखा है एन लामल ये क्या मतलब है इसका फिर दिया आंसर संजय शुक्ला ने फिर साइलेंट किलर क्या नाम है आपका साइलेंट किलर स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिए साइलेंट किलर का जो स्पेलिंग है वो थोड़ी गलत है तो उसको सही कर लीजिए फिर दिया है आंसर गणेश ने ठीक है सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ सर्वाइकल बोन ठीक है तो सर्वाइकल बोन का आंसर किसका आया है सर्वाइकल बोन अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया क्या कामिने ने आंसर दिया है फोर्थ का हाउ मैनी बोन्स इन इज फेशियल बोन और और कितने स्टूडेंट्स ने मसल्स एंड बोन्स कनेक्टिव लिंक टिंडन टिंडन सॉरी पैलेटाइन बोन इज क्रेनियम ओके गुलशन प्रजापति वन मैंडिबल टू सर्वाइक सर्वाइकल ये क्या लिखा है आपने अच्छा अच्छा आंसर लिख रहे हो कोई बात नहीं सर्वाइकल सात होती है तीसरे का आंसर है स्टेपस बोन गुलशन प्रजापति ने बिल्कुल अच्छे से आंसर किया है नंबर वाइज वेरी गुड गुलशन स्टेपस बोन आपका थर्ड का हो गया फोर्थ का आपका फेशियल फोर्टीन बोन्स होती है वेरी गुड सिक्सथ का है आपका पैलेटाइन बोन इज फेशियल बोन ओके वेरी गुड आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स रह गया है बेटा इसका भी फटाफट आंसर करो जल्दी जल्दी आंसर करो हाय जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट इतना लेट नहीं चलेगा बिल्कुल भी काम भाई देखो जितने स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ कृपा करके सेशन को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आपको लाइक कर दो यार बोलना पड़ता है ठीक है तकरीबन सब ने आंसर दे दिया है सबका आंसर आ गया है क्या ओके कौन कौन ने आंसर दिया है सत्यपाल पूजा मिश्रा थ्री मार्च आशीष बी आर ये कैसे कैसे आप अपने नाम रखते हो हैं फ्यूचर फार्मेसी लवकुश थ्री मार्च ये देखो क्या नाम है इसका कौन है ये आशीष आदित्य मौर्या यार क्या करते हो आप लोग इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन लाइक किसी को नहीं करना चलिए भाई बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर जिसको भी ये नोटबुक मंगवानी है तो कृपा करके मंगवा लीजिएगा ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की नोटबुक है और नया बैच स्टार्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का पंद्रह दिसंबर से जिस भी स्टूडेंट्स को क्लासेस अटेंड करनी है डेली चार घंटे की क्लासेस चलती है प्ले स्टोर से बी एस पी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो ये बुक भी आपके घर पे जाएगी नया बैच चलने वाला है यूनिट फर्स्ट से लास्ट तक आपका मात्र पैंतालीस दिन में पूरा कोर्स

तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं एग्जाम कैसे दूंगा या कैसे क्या होगा सभी बच्चों को आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है आपने यहां इक्कीस सौ रुपए पेमेंट करी है आपके एग्जाम जब तक नहीं होते हैं तब तक आपके बीएसपी फार्मेसी आपका पूरा पूरा सपोर्ट करेगी एग्जाम वाले दिन भी आपकी एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन भी आपकी क्लासेस वन शॉर्ट में पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी तो घबराए नहीं बिल्कुल भी ठीक है जॉइन जिस भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है बी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए स्टडी करती हूँ अच्छा किस किस की बात चल रही है जो नया कोर्स चल रहा है उसका प्राइस इक्कीस सौ रुपये पंद्रह सौ रुपये नौ सौ निन्यानवे रुपए तीनों में से कोई सा भी आप परचेस कर सकते हो इक्कीस सौ रुपए में आपके घर पे ये वाली नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी नया बैच चलेगा और जो पुराना बैच चल करके पूरा कोर्स जिसमें कंप्लीट हो गया है वो वाला रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिलेगी मीन्स इक्कीस में मिलेगी ठीक है तो यहाँ ये यह वाली बुक आपके घर पे जाएगी इक्कीस सौ रुपये में इसके साथ कुछ गिफ्ट जाएगा इसके साथ गिफ्ट बाउचर आपके घर पे जाएगा तो पहले ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा पंद्रह तारीख से पहले और भाई अगर आप पंद्रह सौ रुपये वाला परचेज करते हैं कोर्स पंद्रह सौ रुपये में आपके घर पे ये वाले मॉड्यूल्स जाएंगे मीन्स ये वाले हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपके घर पे जाने वाले हैं पंद्रह सौ में और इसके साथ भी गिफ्ट जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा सिर्फ गिफ्ट वाउचर इसके साथ आपको मिलेगा ठीक है इसी इसमें भी आपको न्यू बैच मिलने वाला है नई क्लास इस पंद्रह सौ के कोर्स के अंदर भी मिलेगी अब आ जाओ नौ सौ निन्यानवे में नौ सौ निन्यानवे में, में आपके घर पे इन दोनों में से कुछ नहीं जाएगा होम डिलीवरी नहीं होगी आपको मात्र वहाँ पे क्लासेस मिलेगी जो न्यू बैच चलेगा वो उसकी क्लास आपको मिलेगी तो नौ सौ निन्यानवे में भी जिसको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि अभी कूपन कोड अप्लाई है आप कूपन कोड अप्लाई करके और भी कम प्राइस में ज्वाइन हो सकते हो जा करके चेक करो कितने रुपए का कूपन है आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे पता कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ठीक है जी चलिए आइए नहीं YouTube पे सिर्फ ये क्लास चलेगी बाकी जो मटेरियल आपको मिल रहा है नोट्स की पी मिल रही है आपको मास्टर कोर्स के अंदर इन वाले नोट्स की पी भी मिलेगी और इन वाले नोट्स की पी भी मिलेगी दोनों दोनों की मिलेगी और ये वाले नोट्स आपके घर पे जाएंगे इक्कीस सौ रुपये में ये वाले नहीं जाएंगे इसकी लेकिन आपको पी मिल जाएगी है ना और जो आपका पंद्रह सौ रुपए वाला कोर्स है ये वाली बुक आपके घर पे नहीं जाएगी ये वाले नोट्स आपके घर पे जाएंगे क्लियर कोई डाउट तो नहीं रह रहा तो आप मंगवा सकते हो कोई से भी क्योंकि ये कंप्यूटर से बने हुए हैं यहाँ आप ध्यान से देखो भाई पहला पेज फ्रंट पेज खोलते हो ठीक है जी खोल लिया मैंने यहाँ आपको टोटल पेज नंबर मिल जाते हैं यहाँ इंडेक्स मिल जाता है यूनिट वाइज सारी चीजें दी रहेगी आपको यहाँ देखिए अगला सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा एक ही बुक के अंदर चारों सब्जेक्ट है ये आ गया आपका एनालिसिस और ये आ गया आपका जी फार्मास्यूटिक्स तो भाई यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपके मेंशन है यहाँ आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक तो चारों सब्जेक्ट आप परचेज करना चाहते हो भाई जाओ प्ले स्टोर से बी एस पी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो और अपने कोर्स में ज्वाइन हो जाओ फटाफट क्या बोल रहे हो चलिए ठीक है तो बाकी जो हम बाकी का लेक्चर है कल डिस्कस करेंगे कल हम अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे आज हमने एक्सियल बोन एक्सियल बोन के बारे में पढ़ा है कल अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सेशन आज हम करते हैं यहीं पे खत्म कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम शाम को छः बजे डेली लाइव क्लासेस होती है जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं और क्लासेस जिस बच्चे को अटेंड करनी है बी एस पी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो नहीं तो वहाँ पे आप चैट सेशन दिया रहता है हेल्प एंड सपोर्ट पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक है ओके जी टेक केयर बाय बाय अगर केवल आपको हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हैं या फिर ये वाले नोट्स परचेज करने हैं दोनों का ही प्राइस ग्यारह सौ रुपये है ये भी ग्यारह सौ रुपये में मिलते हैं ये भी कोई से एक आप अपने घर पे मंगवा सकते हो है। या हैंड रिटन मंगवा लो या फिर कंप्यूटराइज मंगवा लो दोनों आप अपने घर पे मंगवा सकते हो मात्र ग्यारह सौ इसका प्राइस ग्यारह सौ रुपये दोनों एक साथ मंगवाना है तो आपको टू थाउजेंड में मिलते हैं है ये बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि हमें दोनों चाहिए तो दोनों उनके घर पर जाते हैं टू थाउजेंड रुपीज में दोनों का प्राइस बाईस सौ रुपये लेकिन टू थाउजेंड में जाते हैं अगर क्लासेस नहीं लेनी है तो अगर क्लासेस चाहिए इक्कीस सौ रुपये वाला कोर्स चाहिए तो ये नोटबुक आपके घर पे जाती है अगर पंद्रह सौ रुपये वाला कोर्स चाहिए तो ये आपके घर पे जाते हैं क्लियर क्लासेस भी मिलती है नोट्स भी आपके घर पर जाते हैं चलो भाई आप अकेली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो अगर नोट्स आपको खुद से बनाने हैं खुद से प्रिपेयर करने हैं तो नौ सौ निन्यानवे वाला कोर्स परचेज़ करो ऑफर चल रहा है उस पर अभी सभी कोर्सेज पे ऑफर चल रहा है कूपन अप्लाई करके और भी प्राइस रिड्यूस हो जा रहा है जल्दी से बुक कर लीजिए क्योंकि तो पंद्रह दिसंबर से नई क्लास चलने वाली है कहाँ है आप लोग चलो जी टेक केयर बाय बाय